बीडी पांडे कैंपस बागेश्वर में आयोजित होने वाले दो दिवसीय वार्षिकोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति सतपाल सिंह बिष्ट ने वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए बागेश्वर कैंपस के विकास के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बागेश्वर के कैंपस के विकास के लिए भविष्य में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कैंपस के निदेशक डॉक्टर जी सी शाह ने कुलपति सहित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कैंपस की समस्याओं से कुलपति को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। दो दिन तक चलने वाले वार्षिकोत्सव समारोह में शनिवार को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार तथा सांस्कृतिक सचिव तारा पपोला ने आयोजन को सफल बनाने वाले सभी छात्र छात्राओं का आभार जताया है। नमस्कार, मेरा नाम तारा पपोला है। मैं सांस्कृतिक सचिव पंडित बद्रीनाथ पांडे परिसर कैंपस बागेश्वर। इस बार पहली बार दो दिवसीय अमर पहचान महोत्सव नामक कार्यक्रम हमारे परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेष सहयोग हमारे संजू थापा जी द्वारा और जगदीप नारायण जी द्वारा किया गया, जिन्होंने पिछले दो महीने से जो भी ये यहाँ प्रतिभा कर रहे हैं उनके पीछे अपना महत्वपूर्ण समय दिया और उनको पूरी तैयारी में पूरा सहयोग दिया। और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार, छात्र संघ सह सचिव धीरज कार्की जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा सहयोग किया। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी उन जनों का जो आज इस विषम वेला में, बारिश के वेला में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा हमारे निर्देशक महोदय जी को, जिन्होंने अपना विशेष सहयोग देकर इस कार्यक्रम को दो दिवसीय बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। आज अमर पहचान महोत्सव 2024 पंडित बद्रीनाथ पांडे परिसर बागेश्वर का आज प्रथम दिवस
पर यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे कुलपति महोदय शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के द्वारा यहाँ पर आज इस अमर पछाड़ महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। और आज मौसम भी काफी खराब है, बहुत बारिश हुई है, ऐसी कड़ी बारिश में भी यहाँ पर छात्र छात्राएं बहुत ज्यादा मात्रा में आए। मैं सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत आज के अमर पछाड़ महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारा कार्यक्रम 2 दिवसीय है, कल भी ये हमारा ये भव्य रूप में कार्यक्रम होने वाला है। मैं आप सभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी सांस्कृतिक महोत्सव में आने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अपने पूरे परिवार परिसर परिवार की तरफ से। आते ही प्रयास किया है कि जो भी कल्चरल प्रोग्राम हो उसमें कल्चर ही हो, हमारा जो प्रादेशिक हमारे जो अपने वो कल्चरल हैं वही ये लोग प्रस्तुत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले दिन इसीलिए मैंने ये कल्चरल रखा कि सभी जो प्रतिभाएं उभर के भी सामने आए, जिससे हमारा ये जो नॉर्थ जोन वगैरह जाती हैं टीमें उनके लिए अच्छे तो कलाकार और अच्छे ये हमें मिल सकें। दूसरा एनुअल डे कल रखा, कल भी आप लोगों को आमंत्रित किया है मैंने, तो इसमें जो भी हमारे मेधावी छात्र खिलाड़ी जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के हैं उनके लिए कल का दिन पूरा रखा गया है। तो आज मैंने कुलपति जी को इसीलिए आमंत्रित किया था कि हमारे मुखिया कभी नहीं आए हैं तो उनसे इनका भी जरा मनोबल बढ़ेगा बच्चों का, तो यही मेरा अभी तो प्रयास धीरे धीरे चल रहा है। आज इन्हीं दो कार्यक्रमों को मैंने पहले तो एक ही दिन में होता था, मैंने इसीलिए 2 दिन कर दिया कि पहले दिन बच्चे अपनी प्रतिभाएं खुलकर निखरें जिनसे शॉर्ट में छोटे छोटे कार्यक्रम से ना निकले पूरा वो अपना दे। तो यही मेरा मेन मोटिव। मैं तो बहुत सभी खुश होंगे, मैं ही क्या, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे आते ही एक तो इतनी घोषणाएं हुई, दूसरा बायो टॉयलेट आए, तीसरा दास मैडम ने जो हमारी माननीय विधायक हैं उन्होंने अभी भी बहुत किताबें हमें दी है, मेरे आने के बाद ही मैंने रिसीव करी तो मुझे तो बहुत अच्छा, उन्होंने पहले भी बहुत दिया हमें और अभी फिर से NEP की जो नए सिलेबस की बहुत किताबें आई हैं जिनका विवरण शायद मैं कल दे पाऊंगा। आज पंडित बद्रीधर पांडे कैंपस में छात्र संघ महोत्सव हो रहा है जिसमें इन्होंने हमर पछाण या मेर पछाण करके महोत्सव बना रहे हैं। मैं पूरे छात्र संघ को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी भयंकर बारिश में भी ऐसे खराब मौसम में भी इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। और छात्र छात्राओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बारिश में होने के बावजूद भी वो लोग आए। और सौभाग्य से आज सबसे अच्छा विषय ये था कि छात्र संघ के इस कार्यक्रम द्वारा जिसमें आज कुलपति जो हमारे हैं प्रोफेसर सतपाल मिश्र जी जो सौभाग्य से हमारे पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पूर्व हमारे HOD भी रहे थे और आज वो रहे, और सबसे अच्छी बात है उनको भी धन्यवाद कहेंगे कि इतने बुरे मौसम में भी वो यहाँ आए और उन्होंने कॉलेज की बहुत सी जो हमारी पहले कॉलेज रहा अब कैंपस हो चुका है और 4 साल में इस कैंपस को बने हुए हुए हैं, तो उनका जो उद्बोधन था उसमें उन्होंने जो बताया कि उन्होंने यहाँ के विकास के लिए और इस कैंपस के विकास के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए हैं और काफ़ी चीज़ों में उन्होंने धन भी उनमें स्वीकृत किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे परिसर के निदेशक हैं प्रोफेसर GC शाह साहब, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जब से यहाँ आए हैं कैंपस में बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। अब पूरे छात्र संघ को जिसमें हमारे छात्र संघ अध्यक्ष हैं और छात्र संघ के हमारे बाकी पदाधिकारी हैं, सांस्कृतिक मंच के हमारे बच्चे हैं, उन सब ने इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने में धन्यवाद दिया है, उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं माननीय विधायक जी की तरफ से यह आश्वस्त भी करता हूं चूंकि उन्होंने कल आना है और आज चूंकि प्रोफेसर सतपाल विश जी आ रहे थे तो उनके स्वागत में क्योंकि उनका मुझे फोन भी आया था कि तुम्हें
रहना है, तो मैं भी भागा भागा देहरादून से आया और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं माननीय विधायक जी की तरफ से अपने छात्र संघ सहित सांस्कृतिक परिषद को आश्वस्त करता हूँ कि परिसर में जो भी उसके अलावा जो कार्य होने हैं वो हम लोग तत्पर हैं। मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि इस जो अभी हमारा जो सत्र शुरू हुआ है, हमारे जो महासचिव हैं रोहित हैं, अपना लोकेंद्र हैं, और इन लोगों ने बहुत प्रयास से, इन्होंने पिछले साल भी कहा था आशीष ने, और इस बार हमने पूरी फैकल्टी को, चाहे बीए है, चाहे बीकॉम है, चाहे बीएससी है, चाहे एमकॉम, एमएससी और जितने एमए हैं, सबको, पूरी फैकल्टी को माननीय विधायक जी ने 15 लाख रुपए की धनराशि से पुस्तकें दी हैं, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी इस सत्र में नहीं आने वाली है। तो मैं सबको फिर सब धन्यवाद करते हुए, आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त कर जो वर्तमान छात्र संघ है और जितने मेरे ये बच्चे हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं कि उनका टाइटल ही इतना बेहतरीन दिया हुआ है, अमर पहचान। मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि जितने प्रोग्राम मैंने देखे कल्चर प्रोग्राम, वो हमारी संस्कृति को ही प्रदर्शित कर रहे थे। कई बार मैं कहीं विश्वविद्यालय में जाता हूँ, या क्योंकि मैं नैक का 14-15 साल से एसएसआर हूँ, डायरेक्टर और चेयरमैन रहा हूँ, तो मेरे को ये लगता है कई मीटिंग्स में जा करके कि जब बच्चे परफॉर्म करते हैं, वो ज़्यादातर हिंदी गानों में या इंग्लिश गानों में करते हैं, जो कि ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जितनी परफॉर्मेंसेज देखी उनमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मेरे बच्चों ने जो परफॉर्म किया वो यहाँ की संस्कृति को दिखाता है, उनकी उस संस्कृति में उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो प्रदर्शन है उसको दिखाता है। तो ऐसे मंच देना बच्चों को, इसके लिए सभी छात्र जो है, हमारे नेता यहाँ पर जो है, मेरी छात्र संघ यहाँ पर जो है, तो बधाई की पात्र है, कि निश्चित रूप से मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल आपने यहाँ की सुविधाओं का पूछा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, विश्वविद्यालय को बने अभी करीब करीब 4 साल हुए हैं। किसी भी विश्वविद्यालय को बनने के बाद उसमें विकास तुरंत शुरू कर देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले आपको होमवर्क करना होता है। तो जो भी पहले कुलपति रहे होंगे, उन्हें होमवर्क किया होगा जरूर, उन्हें जो भी काम शुरू किया होगा वो अच्छा किया होगा, तो मेरे लिए आसानी हुई, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और मेरे आने के बाद मुझे लगा कि मैं शायद कुछ दूसरे तरीके से काम करूँ, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है। और तभी मुझे पता चला कि भाई एक कैंपस नहीं आया तो 4 कैंपस बना दिए। अब आप अंदाजा लगाइए, सामान्य भाषा में एक बच्चे के, एक आदमी के 4 बच्चे और एक आदमी का एक ही बच्चा हो, तो 4 बच्चों की जिम्मेदारी शायद ज्यादा होती है। तो मेरे लिए भी 4 कैंपस की जिम्मेदारी 4 बच्चों की जैसी थी, और मैं किसी में कम ज्यादा नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो यहाँ के छात्र पदाधिकारी या छात्र संघ के हमारे जो ऑफिस बेयरर थे, अध्यक्ष थे, वो आए, उन्होंने बोला कि हमारे तो अभी तक किताबें भी नहीं है। तो मैंने कहा किसी भी हालत में अपने वित्त अधिकारी या कुछ भी हो, सबसे पहले आप बच्चों को किताबें दें। किताबें देने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर टीचर्स की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं, एक पैसे पहले एक राजकीय महाविद्यालय था, इससे यहाँ से टीचर चले गए। चले इसलिए क्योंकि ऑप्शन की आप जानते हैं उस पूरी कहानी को, उसका ऑप्शन था, उनको जाना था, लेकिन जा तो चले तो गए, लेकिन यहाँ कौन पढ़ाएगा बच्चों को, इसकी जिम्मेदारी थी। और मुझे सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगी कि कुछ भी क्लियर कट उसमें तक नहीं था। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी धन सिंह जी, और तब के हमारे उच्च शिक्षा सचिव बगोली जी, और कई लोग जानते होंगे अपर सचिव श्रीवास्तव जी। इन 4-5 लोगों का ऐसा जबरदस्त सपोर्ट रहा कि इन्होंने कहा कि नहीं, आप करिए, आपको शिक्षकों की कमी नहीं होने दी जाएगी, किताबों की कमी नहीं होने दी जाएगी, और आपके छात्रों को जो आप कहेंगे वो किया जाएगा, और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। तो उसी क्रम में मुझे करीब 118 के, अगर मुझे करेक्ट फिगर याद है, मैंने चारों कैंपसेज में 118 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की। स्पेशली यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का, तो मुझे बताया कई साल से टीचर ही नहीं है, तो मुझे छात्र संघ के पदाधिकारी मिले तो मुझे बड़ा खराब भी लगा, तो मैंने तुरंत उनका आके उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और बहुत जल्दी यहाँ जो कुछ और पोस्ट खाली रह गई हैं, शायद मैं आपको इस महीने अंत तक या अगले महीने महीने के प्रथम पखवाड़े में बाकी जितनी भी पोस्ट यहाँ खाली हैं आपको भरी हुई मिलेगी। सर, कैंपस की तरह की बात आती है, लेकिन अभी भी महाविद्यालय रह गया, ये बराबर यहाँ कहा जाता है। ये देखिए, आपके लिए होता क्या है, जब नोटिफिकेशन हो जाता है, दो चीजें हैं, एक तो आपने किसी माननीय मंत्री ने कहा हो, या माननीय मुख्यमंत्री ने, या किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषणा कर दी हो। घोषणा एक चीज होती है, उसका नोटिफिकेशन जारी होना अलग चीज होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बद्रीनाथ पांडे परिसर का नोटिफिकेशन हो चुका है, यह पूर्णतः परिसर बन चुका है। इसका नोटिफिकेशन कॉपी मेरे ख्याल में निदेशक जी के पास होगी, अगर नहीं है तो मैं कल भिजवा दूंगा। इसका नोटिफिकेशन, चंपावत का नोटिफिकेशन और पिथौरागढ़ का भी नोटिफिकेशन हो चुका है। जब नोटिफिकेशन हो जाता है, उसका मतलब होता है जियो। जियो का मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर मतलब जिसके साथ राज्यपाल सहमति देते हैं, तो इसलिए ये हो चुका है। देखिए, यहाँ कुछ मूलभूत जो असुविधाएं थी, ठीक है, तो मैं पत्रकार मित्रों की सुविधा के लिए के आगे एक प्रपत्र लेके आया था, जिसमें मुझे लगा जो चीजें छात्रों के लिए होनी चाहिए, जो शिक्षकों के लिए होनी चाहिए, अगर मैं अपने शिक्षक को बैठने की अच्छी जगह ना दूं, क्या वो शिक्षक की तरह बैठ पाएगा?
तो मैंने सबसे पहले कि शिक्षकों को शिक्षक की तरफ बैठने के लिए कमरे दें या उनको फर्नीचर दें, एक तो फर्नीचर टीचर्स की हो, स्टूडेंट्स की हो, कर्मचारियों उनके फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गई है, उसके लिए धन का प्रयोजन कर लिया गया है और अलॉटमेंट भी कर दिया गया है। एक दूसरा, इस कैंपस में बहुत दिनों से सुना पुताई नहीं हुई थी, यहाँ वार्निशिंग और ये सब पेंट नहीं हुआ था, इसको बहुत जल्दी कैंपस को आपको नए लुक में दिखेगा, इसकी पुताई बाहर अंदर सभी तरह से पुताई की जाएगी और जहाँ छोटे छोटे मरम्मत के काम उनको किया जाएगा, यहाँ की चार दीवारी में जो बताया गया था उस प्रॉब्लम वो की जाएगी, जैसे बच्चे बता रहे थे स्वच्छकों की कमी है, बहुत जल्दी शायद कुछ स्वच्छक भी यहाँ मैं अपॉइंट करूंगा, और बच्चों के जो आप जानते हैं क्योंकि आईटी का जमाना है, बच्चों को अगर हमने वाईफाई सिस्टम नहीं दिया, जैसे अल्मोड़ा में मेरे लिए देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस तरह से विश्वविद्यालय वह है, वहाँ पे बिल्डिंग है, एक साथ देना मुश्किल है, ये तो एक ही जगह पे कैंपस है, यहाँ पे तो बच्चों की वाईफाई सुविधा देना बहुत आसान है, तो बहुत जल्दी मैं बच्चों को वाईफाई की सुविधा यहाँ पर देने जा रहा हूँ जिससे कि बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। साथ ही ई लाइब्रेरी का मैंने प्रोविजन करवाया है और बहुत जल्दी बच्चों को अपने मोबाइल में ई लाइब्रेरी भी एक्सेस होने लगेगी जिससे कि बच्चे मोबाइल में भी पढ़ सकेंगे। और दूसरा है यहाँ के जो शिक्षक हैं, क्योंकि ज्यादातर जो शिक्षक आए बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज के हों, साइंस के हों या कॉमर्स के किसी भी चीज़ के हों, उनकी शोध के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ उनको इस तरह के फंड्स का एलोकेशन करें, जैसे अभी नेक्स्ट बजट में जो छोटी मोटी रिसर्च ही लोकल लेवल पर शुरू कर पाए, अब नेक्स्ट फाइनेंस कमेटी में उसको रखने जा रहा हूँ कि मेरे शिक्षकों को एक टोकन मनी मिल जाए जिससे थोड़ा बहुत वो प्रोजेक्ट का काम कर पाए और रिसर्च का काम कर पाए, ये मेन चीज़ें हैं। और बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबका सहयोग चाहिए होता है, विश्वविद्यालय अकेले नहीं बनाया जा सकता है, विश्वविद्यालय को बड़ा बनाने के लिए छात्र का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का और समाज का, सबका सहयोग चाहिए होता है, अगर समाज सहयोग नहीं करेगा विश्वविद्यालय बड़ा नहीं बन पाएगा। मैं बस छोटी सी अपनी बात आपको बता दूं, अगर आप मदन मोहन मालवीय के बारे में जानते होंगे, उन्होंने बीएचयू जिसको आज दुनिया भर जानते लोग जानते हैं, उसको बनाने के लिए एक एक सिक्का सबसे मांगा था, एक एक रोटी सबसे मांगी थी, एक एक नाना सबसे मांगा था, तो मैं भी ये कह रहा हूँ वो जमाने तो नहीं है अब, लेकिन मेरे पास ऐसी कमी भी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मुझे ऐसा नहीं पूरा आश्वस्त किया गया है कि जो भी पैसा होगा, जो भी सुविधाएं होंगी आप कर ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जरूर होंगी वो। तो हमें विश्वविद्यालय बनाने के लिए सतर्फा सर्वांगीण तरीके से सोचना भी पड़ेगा, काम भी करने पड़ेंगे और सहयोग भी लेना पड़ेगा, बिना कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं हो पाएगा। और समाज अगर इसमें आगे आए, और जैसे क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप चौथे स्तंभ कहलाते हैं विद्वानों के, तो अगर आप कैंपस, मैं नहीं कह रहा हूँ कैंपस के बारे में बहुत अच्छा लिखिए, कैंपस के बारे में ऐसा लिखिए जो यहाँ होना चाहिए, जो अच्छा है वो तो सभी को दिखेगा, इनकी प्रशंसा या मेरी प्रशंसा कभी ना लिखे, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूँ, प्रशंसा किसी चीज की तब तक नहीं लिखनी चाहिए जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, आप लिखें कि यहाँ क्या जरूरी है, अगर क्या जरूरी है आप तक बात जाएगी, हम तक बात आएगी, प्रशासन तक बात जाएगी, हमारे जनप्रतिनिधि तक बात जाएगी, जो वेल विशर है उन तक जाएगी, काम ज्यादा जल्दी होते हैं। तो हमारी कमियां बताना भी आपका काम है, सिर्फ हमारी तारीफें करना आपका काम नहीं है, और मैं जानता हूं अपने व्यवसाय को आप मुझसे बेटर जानते हैं, आपका सहयोग जरूर मुझे चाहिए, लेकिन सहयोग इस तरीके से चाहिए कि जो क्रिएटिव आपका हो, क्रिएटिव आपका जो क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन हो वो मुझे चाहिए, और समाज का भी क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन चाहिए, शिक्षकों का भी चाहिए, छात्रों का भी चाहिए, और निश्चित रूप से अगर सब लोगों ने मिलकर काम किया हम इस विश्वविद्यालय को बहुत कम समय में बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि कई चीजें जो हमारे पास हैं दुनिया के किसी विश्वविद्यालय के पास नहीं है, वो हमारे पास है, हिमालय पर रिसर्च करना, हिमालय पर हमसे बड़ी रिसर्च कोई नहीं कर सकता क्योंकि हम हिमालय की गोद में बैठे हैं, जो व्यक्ति हिमालय की गोद में बैठा हो उससे अच्छी रिसर्च हिमालय के आर्थिक परिवेक्षण पे, आपके सामाजिक पे, पर्यावरण पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बगल में ही फील्ड वर्क है, हमारे बगल में ही पॉपुलेशन है। मैं इस विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मुझसे जो भी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए बन पड़ेगा मैं जरूर CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।